You're a superhero. ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस जो वीडियो सबसे अलग तरीके से बनेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। गाइस इस वीडियो को हम काइन मास्टर ऐप से बनाएंगे। अगर आप काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप मेरे कल वाले वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने काइन मास्टर का नया वर्जन का लिंक दिया था, उसमें मैंने डाउनलोड करना भी सिखाया था। आप चाहो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, कल वाली वीडियो। ओके तो गाइस अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब गाइस देखो, वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर में आ जाना है। डन, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको एक दिखाई दे रहा है इंपोर्ट का आइकन, इस पर क्लिक करना है। सो गाइस प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते वक्त आप ध्यान देना कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन रखना, आप तभी ये अच्छे से आप काम कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको इस पर प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना। इसका नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 16 जून। ओके तो इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में या तो इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो गाइस आपको यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। ओके तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर से ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पर से आपको इंपोर्ट करना है और अपने इंटरनेट को आपको ऑन रखना है। गाइस मैं इंटरनेट ऑन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसमें जो मैंने क्लिप वापस सब दिया है वो आपका डाउनलोड हो जाए और आपको डाउनलोड करने की कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। ओके तो अगर आपके पास थोड़ा सा ओल्ड वर्जन काइन मास्टर है तो वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास नया काइन मास्टर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, वो भी क्लिप वापस है, आपको बीट सीन ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे आप करना क्या है, सबसे पहले आपको शुरू जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर रिप्लेस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस लिरिक्स वीडियो को यहाँ पे आपको रिप्लेस कर लेना है। इस लिरिक्स वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो ये जो हमारा बैकग्राउंड था वो लिरिक्स के साइज का ही था। उसके बाद आपको आगे जाना है एंड यहाँ पे जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, जो ब्लैक बैकग्राउंड है, और रिप्लेस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने फोटो को, जो भी आपका फोटो है उस फोटो को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। ओके तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है सिंपली आपको उस बैकग्राउंड के साथ मतलब फोटो को एडिट करना है। यहाँ जो बीट मार्क है वो आपको नहीं देखना है, जितना भी बैकग्राउंड है सभी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर करके आपको अपनी फोटो को यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्स कर लेना है। ओके वैसे ज़्यादा बैकग्राउंड है भी नहीं तो जितना भी बैकग्राउंड है यहाँ पे सभी बैकग्राउंड को इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर करके यहाँ पे फोटो को एड कर लेना है। तो वैसे मैं पहले अपने सभी बैकग्राउंड की फोटो को एड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ओके तो आप भी पहले बैकग्राउंड में फोटो को एड कर लो। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको करना है क्या, लास्ट ऑफ फोटो को सिलेक्ट करना है एंड क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। इसमें जो भी क्लिप ग्राफिक्स है इसका नाम है थॉम पे लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ से नोन कर देना है। ओके क्योंकि हमें यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। सो गाइस अब थोड़ा अच्छे से देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। ओके शुरू में और यहाँ पे जो लिरिक्स आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो थॉम से वाला क्लिप मतलब ट्रांजिशन है, ये एक ट्रांजिशन है, क्लिप ग्राफिक्स नहीं है, थॉम वाला ट्रांजिशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसे आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है। अब जो थॉम वाला ट्रांजिशन है वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते वक्त अपना जो इंटरनेट है वो ऑन रखना ताकि जो ये ट्रांजिशन है वो डाउनलोड हो पाए। ओके मैंने ट्रांजिशन नहीं दिया था, मैंने क्लिप ग्राफिक्स लगाया था लेकिन ये क्लिप ग्राफिक्स के साथ अपने आप अटैच मतलब अटैच है, जैसे आप क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड होगा ये अपने आप आ जाएगा। ओके तो आपको करना क्या है, थॉम से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, वैसे बीटसीन्स ऐप में आपको ये मिलेगा तो चाहो तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस देखो करना क्या है, इसका स्पीड बढ़ा के आपको 2.1 रखना है। ओके तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखना आप लोग, 2.1 मतलब 2 के आगे एक लाइन जो वहाँ पर मैंने रखा है। ओके तो इतना आपको रखना है, फिर यहाँ से बैक आना है, फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे जो अगला फोटो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे 5 नंबर आपको सिलेक्ट करना है। इसका जो स्पीड रखना है आपको 1.8 रखना है, मतलब 1.5 से इधर 3 लाइन इधर आप देख सकते हो लेफ्ट मतलब राइट साइड, इतना आपको रखना है जितना मैंने रखा है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देख लो आप लोग। ओके सो गाइस फिर आपको क्या करना है, इधर फिलहाल के लिए आपको ये दोनों फोटो को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है,
उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है 25 सेकेंड पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको थोम पे क्लिक करना है और गाइस यही एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है और इसका स्पीड रखना है 1.5 रखना है और इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर जो यहाँ पे एक फोटो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30-32 सेकेंड पे यहाँ पे आपको आना है एंड इससे आपको 5 नंबर वाला 4 नंबर वाला जो आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो गाइस जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 नंबर वाला या तो 5 नंबर वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं 5 नंबर वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसका भी आपको स्पीड जो रखना है 1.8 ही रखना है। ओके तो ये आप लोग देखते हैं इतना मैंने कर लिया, इतना आपको कर लेना है। जैसे आप इतना कर लोगे आपको जो फोटो है वो इस मतलब म्यूजिक के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ओके तो गाइस इधर आपको आना है और यहाँ पे जो 3 फोटो दिखाई दे रहा है इन तीनों फोटो को सिलेक्ट करना है और हेलोवीन पार्टी से जो 10 नंबर वाला क्लिपग्राफी से इन तीनों फोटो में यहाँ पे लगा देना है। ओके तो एक में तो पहले से लगा हुआ है, मैंने लगा के दिया है। ओके तो आपको हेलोवीन पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपके फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा अपने आपके काइन मास्टर में जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे क्लिपग्राफी का जो लेंथ है वो एंटक नहीं जाएगा बिकॉज इधर ट्रांजिशन लगा हुआ था। तो उसके बाद जो आगे 27 सेकेंड पे फोटो है यहाँ पर भी आपको तीनों फोटो में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है हेलोवीन पार्टी से। ओके 10 नंबर ला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो गाइस इन तीनों फोटो में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर ला सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे भी तीनों फोटो में। ओके और इसका जो क्लिप वापिस कर लेना जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लेके चले जाना है। तो इतना आपको कर लेना है, जैसे आप इतना कर लोगे इस प्रकार से ये हो जाएगी बढ़ गए। जैसे ट्रांजिशन आता है उसके बाद जो हमारा फोटो मतलब एक जगह पे ऐसे स्टेबल हो जाता है रुक जाता है वो हमें नहीं चाहिए, उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फोटो पर क्लिक करना है एंड क्लिप वापिस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने वाला आपको ऊपर सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ओवरलाइन OBER ओके LINE ऐसे लिखना है आपको ओवरलाइन। ओके तो यहाँ पे आपको एक क्लिप ग्राफिक्स दिख जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरलाइन का, आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ से ओवरलाइन से आपको क्या करना है, ये जो 8 नंबर ला इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप 6 नंबर वाला सेलेक्ट कर सकते हो या तो 5 नंबर वाला सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 नंबर वाला और इसका जो लेंथ है बढ़ा के जहाँ तक जाता है इसके लिए वापस कर लेना, इस प्रकार से बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर आपको आगे जाना है। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर आपको आगे जाना है और अगला जो फोटो है यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपको वही क्लिप ग्राफिक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी नंबर वाला। ओके फिर आपको आगे जाना है, ये तीनों फोटो को छोड़ देना है बिकॉज इसमें हमने पहले से क्लिप ग्राफिक्स सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो फोटो है यहाँ पे 25 सेकेंड इस पर आ जाना है एंड इसमें भी ओवर लाइन से कोई भी क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छा लगता है। ओके तो यहाँ पर आप लोग देखते इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है, मेरे को तो 8 नंबर अच्छा लग रहा है मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर इधर 3 फोटो को छोड़ देना है, उसके बाद जो लास्ट में 2 फोटो है इन दोनों फोटो में भी आपको ओवरलाइन से ही कोई भी क्लिप ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेना है। ओके तो यहाँ पे वैसे 1 फोटो ही है तो इसमें आपको ओवरलाइन से कोई भी क्लिप ग्राफिक्स आप यहाँ पे एड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो ये आप लोग देखते इस प्रकार से लगा लेना है बस। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे फोटो स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और गाइस सिंपली आपको इस वाले वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो इसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे एडिट कर लेना, फिर आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर इसके ब्लेंडिंग में जाके सिंपली आपको स्क्रीन कर देना है। ओके सो ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस जैसे आप इतना कर लेंगे आपकी जो वीडियोस है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो किस प्रकार बनाए, जिस प्रकार से आपने प्रीव्यू में देखा उसी प्रकार वीडियो बनाए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और वीडियो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही है। ओके सो जो स्टेप मैंने आपको बताया वही स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसका डुप्लीकेट निकाल के आपको इस वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट निकालना एक और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला इफेक्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे इसको लगा देना है ताकि आपका पूरा वीडियो में ये वाला जो प्रैक्टिकल इफेक्ट रह सके और आपका वीडियो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। ओके इस प्रकार से सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।